हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाली अमावस्या का सूर्य भगवान का भरा मेला। आबू की गोद में बसा अनादरा में स्थित अति प्राचीन सूर्य भगवान मंदिर, जो कि करोड़ी ध्वज भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, और अरावली की गोद में हरियाली से ओतप्रोत तीर्थ स्थल है। करोड़ी ध्वज भगवान के मंदिर में हरियाली अमावस्या के दिन महंत श्री राम शरण दास महाराज के सानिध्य में विशाल मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में आसपास के गांवों के हजारों लोगों द्वारा भाग लिया गया। पिछले 2-3 साल से कोरोना बीमारी व लॉकडाउन होने से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार अच्छी बारिश से अरावली पर्वतमाला से निकलने वाले झरने व पर्वतीय स्थल पर चाही मनमोहक हरियाली और भगवान करोड़ी ध्वज के अति पौराणिक मंदिर के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में रंग बिरंगे परिधानों में महिलाओं और पुरुषों द्वारा आकर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना व प्रसादी चढ़ाई गयी। मेले में बड़ी संख्या में खिलौने, मिठाई व चाय नाश्ते की दुकान पर भारी भीड़ रही। महंत श्री रामचरण दास महाराज द्वारा पूजा अर्चना कर ईश्वर से अच्छी बरसात की कामना करते हुए अगला वर्ष क्षेत्र की जनता के लिए भगवान करोड़ी ध्वज जी के आशीर्वाद से शुभ रहे, ये कामना की गई। लोगों द्वारा करोड़ी ध्वज बांध में अच्छी बारिश से आए पानी को भी देखने वालों का तांता लगा रहा। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ से मेला स्थल पर बार बार जाम होने लगे, लेकिन अनादरा थाना अधिकारी गीता सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के प्रबंध शानदार रहे। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।